मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है और मैं साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, एनएलपी ट्रेनर, हिप्नोथेरेपिस्ट और एक कोच हूं। मैं अकोला में हूं और मैं प्रैक्टिस करता हूं। काफी सारी लेडीज मेरे पास में आती रहती है। एक तो वो अकेले आती है या उनको हस्बैंड को लेकर आती है। प्रॉब्लम ये रहता है कि एक तो हस्बैंड ये बोलते रहता है कि भाई ये मेरे ऊपर बहुत शक करती है, या वो अकेले आती है तो ऐसे आती है कि नहीं नहीं मेरे हस्बैंड का कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है और उसके लिए कुछ तो भी आप करो। क्या होता है कि जब एखादी स्त्री पूरी तरह हाउसवाइफ है, होम मेकर है, और जब हस्बैंड सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक या 9 बजे तक घर के बाहर रहता है, बच्चे स्कूल में जाते रहते हैं, तो उसको घर खाने को लगता है। फिर करना क्या, फिर टीवी देखते रहती है, आजू बाजू की जो पड़ोसन है, सहेलियां, वो मिलती रहती है। फिर टॉपिक ये रहता है कि भाई ये दिन भर में हस्बैंड अपना बाहर रहता है तो करता क्या है, ये जाता कहां है। और फिर टीवी पे अनेक अलग अलग मालिकाएं देख के दिमाग में कीड़ा कांडी चालू हो जाती है, इसका कुछ तो भी बाहर है। गलती से, यदि शादी होने के बाद गलती से, क्या होता है, शादी जब हो जाती है तो पहले कुछ दिन एक दूसरे को पूछते रहते हैं हस्बैंड वाइफ कि तेरा कहीं था क्या, अफेयर था क्या, वैसा तो मैं कुछ करूंगा नहीं, अब जो हो गया वो हो गया, मगर सच्ची बता दे, सच्ची बता दे। और वो भावनाओं में आके यदि हस्बैंड बोल देता है कि हाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, या वो लेडी बोलती है कि हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड था, तो उस समय तो कुछ नहीं होता, मगर उसका असर बाद में हो जाता है कि नहीं इनका कुछ तो भी था, मतलब इनका अभी भी चालू होगा संबंध। तो लेडीज काफी सारी आती है वो इसके लिए कि नहीं इनका बाहर कुछ तो भी है, बाहर कुछ तो भी है। फिर कभी कभी इतना वो लॉजिकली बात कर दिए, इतनी बराबर और सही बात कर दी कि कभी कभी हमको भी ऐसा लगता है कि सही है क्या, मगर जब वो लेडी के, वो स्त्री के घर के लोग, मतलब उसके भाई, उसके माँ बाप, जब वो भी आते बोलते कि नहीं नहीं हमारी लड़की जो है ना वो शक करती है, हमारा जो दामाद है वैसा नहीं है, वो भी अच्छा आदमी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये शक करती है, ऐसा जब वो बाकी लोग बोलना चालू करते फिर हमको उसका इलाज करना पड़ता। इसको बोलते कि एक तो आइडियाज है, उसको बोलते आइडियाज ऑफ रेफरेंस, या फिर उसको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं एक तो आइडिया ऑफ प्रोसिक्यूशन भी रहता है कि कोई अपना पीछा कर रहा है, कोई अपने बारे में बोल रहा है, और दूसरा रहता है जो भी बात किया मैंने, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, मतलब वो डिल्यूजनल लेवल पे जाता है, उसको पक्का विश्वास हो जाता है। एक तो पहले आइडिया रहती है, मेरे को शक है, ऐसे विचार आते हैं ये शुरू में, और बाद में उनका तो पक्का विचार बन जाता है कि नहीं नहीं वो तो है ही है, पक्का ही बाहर संबंध में इसके, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। तो उसकी मोबाइल चेक करेंगी, व्हाट्सएप चेक करेंगी, कौन सी लेडी बात करती है, कौन सी लड़की है, इसके जीवन में जो पहली लड़की आई थी वो अभी भी आ रही क्या, फिर वो ऑफिस में बार बार फोन करेंगी, लोगों को पूछेंगी, इतना कि इसका जीवन जीना कठिन हो जाता है। तो इसलिए हमको उसका इलाज करना पड़ता है, उसके लिए मेडिसिन है, और मेडिसिन वो लेती है तो ठीक है, क्योंकि कुछ लेडीज बोलती कि नहीं नहीं मुझे क्या हुआ, मैं क्यों दवाई लूं। फिर उसको कभी हमको, फिर यदि वो दवाई लेती नहीं तो कोई इंजेक्टेबल है, इंजेक्शन देना है, या फिर कुछ कंट्रोल के बाहर ही है तो फिर शॉक ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी, ईसीटी, वो देने पड़ते हैं ताकि वो उसके दिमाग से निकल जाए। कुछ हस्बैंड जो है पुरुष, उनको शक आते रहती है कि नहीं मैं जब बाहर रहता हूं तो इसका कहीं ना कहीं अफेयर है, घर में कोई तो भी आता है, ये किसी ना किसी से बात करती है, और फिर वही कि पहले आइडियाज रहती है, आइडियाज ऑफ इनफिडेलिटी, आइडियाज ऑफ रेफरेंस, प्रोसिक्यूशन, कि भाई कोई पीछा कर रहा है, कोई देख रहा है, कोई आ रहा है, अपने बारे में कोई बात कर रहा है, और धीरे 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 फिर डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, कि पक्का विचार कि नहीं उसका संबंध बाहर है ही, और उसके लिए फिर वो जो मतलब एविडेंसेस जो है वो जमा करना चालू करेगा, उनका इलाज करना फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो बोलता है कि मुझे क्या हुआ, मैं तो बीमार नहीं हूं सच है।
फिर जब उसके भाई बहन आते हैं पुरुष के घर के लोग, नहीं नहीं हमारा भाई ऐसा है, और वो शक कर रहा है एक्चुअली वस्तु जो कि वैसी नहीं है, तो उसका इलाज करना पड़ता है। तो ये बीमारी है, ये पैरानॉइड डिल्यूजन्स है, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के रूप में ये कभी कभी आती है, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, और इसका इलाज पूरी तरह किया तो पति पत्नी सुख का आनंद का जीवन जी सकते हैं। यदि आपके आजू बाजू में ऐसे कुछ लोग होंगे तो जरूर वीडियो उनको शेयर करो, नए होंगे तो भी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।